हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के डेट में दो वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी डल चुकी है हमारे चैनल पे जाके इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि वीडियोस मिलती रहे और आप वीडियोस विदाउट डिले यहाँ पर देख सके क्योंकि वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप वैल्यू वे, वे, बाइंग किस तरीके से आप अच्छे खासे स्टॉक्स अच्छे लेवल पर लेके थोड़ा सा वेट करके स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बट आपको यहाँ पर अपनी स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके यहाँ पर पैसा ले पर

को हम हम करते हैं हैं ना वो सबसे ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है कहते कि है, लेवल पर वो बैठा होता है, और आप उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं होते बट अगर हम बात करें ऐसी मार्केट में भी होता है दो एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद तीन ऐसे शेयर से रिलेटेड आपको रूबरू कराऊंगा जो कि आपने कि ये स्टॉक्स जितने इग्नोर किए जाते हैं ना उतने ही भागते हुए दिखाई देते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हो उस वीडियो से रिलेटेड बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियो को जाके देखिए उन्हें भी लाइक करिए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब है कैंप्स कैम्प यहाँ पर आया आके यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खास यहाँ पर गिरावट हुई ओके okay, यहाँ पर ये आ, कितने 1500 के आसपास ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था और इसके बाद ये बारह सौ साढ़े बारह सौ रुपए पे शेयर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया लगभग कितने अगर हम बात करें पांच अक्टूबर को ये शेयर आया और चार नवंबर मतलब एक महीने तक लगभग शेयर गिरता रहा गिरता रहा उसके बाद शेयर ने जो रैली पकड़ी है वो अनस्टॉपेबल है और अगर हम बात करें अभी तक भी अगर हम देखते हैं तो लगभग अभी भी शेयर छत्तीस रुपए के आसपास चल रहा है आपको तीन हजार पे ये शेयर बताया था उसके बाद यहाँ पर एक सप्ते में 4800 रुपए जाते हुए दिखाई दिया। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और शेयर से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एंड एक मिनट। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक दीजिए मुझे। यहाँ पर एंटनी वेस्ट, एंटनी वेस्ट के साथ भी ऐसी था। ये शेयर अच्छा-खासा पहले गिराया गया ओके okay, यहाँ पर और गिराया गया और गिराया गया पांच सौ रुपए के लेवल पर ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया और लगभग आधे रेट पे यहाँ पर फिफ्टी परसेंट की गिरावट करी उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर तोड़ दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को जब रिटेल इन्वेस्टर बेच के फिफ्टी परसेंट पे निकल गए फिर उसके बाद यहाँ पर इस शेयर को भगाया गया और आज की डेट में देखे <coughs> Sorry, तो यहां पर ये शेयर क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है आठ महीने तो लगा।, लगा और आठ महीने में यहाँ पर कंपनी उस लेवल पर पहुंच गई तो इसी तरीके से आने वाले आठ महीने में शायद ये शेयर आपको आने वाले ये पांच रुपए का था शायद हजार रुपए पे टच करता हुआ दिखाई दे तो इसी तरीके से बिजनेस मॉडल को चूज करके उसके रिजल्ट देख के As well as, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंपनी के बारे में यहाँ पर देख के और जब गिरते है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है उस शेयर को उठाया जाता है तो यहाँ पर तीन से से हम बातें करेंगे जानेंगे और से क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए नहीं यहाँ पर स्क्रीनर पे आ गए हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है कैंप्लास्ट यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं एक हम्म तो देखिए कैंपलास्ट सनमार यहाँ पर पता ही है कैंपलास्ट पहलिंग में गलत लिख रहा था एक मिनट दीजिएगा कैंपलास्ट हाँ तो कैंपलास्ट सनमार की हम बात कर रहे तो थे देखिए ये शेयर मार्केट में सबसे पहले आया था उसके बाद ये डीलिस्ट हुआ डीलिस्ट के बाद दोबारा से यहाँ पर ये आईपीओ के थ्रू आता हुआ दिखाई दिया है और अगर इस शेयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम ये डी होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ओके इट कुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं कमा रही होगी या कुछ भी रीजन uh, हो सकता है हम बात कंपनी है तो यहाँ पर ओवर फिफ्टी एंड इज पार्ट ऑफ द एस एच एल केमिकल ग्रुप मतलब केमिकल्स कंपनी पर बनाती हुई दिखाई दे रही है कभी uh, यहाँ पर इसके जब रिजल्ट रिजल्ट आएंगे एट मोमेंट हम यहाँ पर बात करेंगे इससे रिलेटेड पूरी फुल वीडियो में बट अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था कि जितना यहाँ पर शेयर को गिराया जाता है उसी शेयर और जितना नेगेटिविटी होती है किसी

उसी लेवल पर शेयर यहां पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी ये नई कंपनी है इसलिए मैं यहाँ पर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है बट हम बात करें ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देखिए बारह सौ चौवन बारह सौ अट्ठावन और यहाँ पर बात करें लगभग डबल से भी ज्यादा तीन गुना यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए दस गुना यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में रिजल्ट कंपनी के यहाँ पर नेगेटिव हुए हैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पर देख सकते हैं आप बोरिंग की बात करें बोरिंग यहाँ पर कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दी है बट कंपनी के पास कितना पैसा है यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात करें अगर इसमें से घटा देते है तभी हमारा ये डेट टू इक्विटी रेशन निकल के आता है जो कि आपको दिखा रखा है तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और यहाँ पर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में पच्चीस करोड़ और इनकी कैश की बात करें 651 करोड़ रुपए का इनके पास कैश भी है जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है आर ओ पर देखिए इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी है नहीं ओके अभी बाइंग सेलिंग की मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इसे बाइंग करे या सेलिंग करे बट इन शेयरों को अपनी एटलीस्ट रेडार पे रखे डेली वाइज इन्हें ट्रैक करें कि किस तरीके का बिहेवियर ये दिखा रहे हैं क्यों क्योंकि अगर हम बात करें पहले शेयर यहाँ भागता हुआ दिखाई दिया भागने के बाद अगर हम अभी बात करें तो शेयर यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हो रही है आज के दिन में थोड़ा सा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था बट दोबारा यहाँ पर उसी लेवल पर आ गया है इसका सपोर्टिंग लेवल की बात करें तो देखिए यहाँ पर पांच रुपए के आसपास का इसका एक अच्छा खासा सपोर्टिंग लेवल है जो इसका फिफ्टी वीक लो भी है जो की हम यहाँ पर देख सकते हैं पांच तो यहाँ पर जिन कैंप जिन स्टॉक्स की नेगेटिविटी में आते हैं जो नेगेटिव वो थोड़ा बहुत टाइम के बाद जैसे कि गिरते हुए दिखाई देते हैं

और यहाँ पर हमने काफी बार आपको बताया यहाँ पर कार्ट रेट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल काफ़ी बेहतरीन है एडवर्टाइजमेंट से पैसे आते हैं बाइंग सेलिंग जो ये व्हीकल्स uh, की करते हैं उधर से यहाँ पर पैसे आते हुए दिखाई देते हैं एज ए ब्रोकर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है सिंपल नेट इंटरनेट पे आपको जाना है और यहाँ पर इंटरनेट से कोई भी कार बुक कर सकते हैं कोई भी कार यहाँ पर सेल कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फायदा इस कंपनी को होता है और इट इज़ दोल इस कॉम्पिटिटर है यहाँ शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है बट मार्केट में है बट स्टेल अगर बात करें उसमें नंबर वन है तो नंबर वन कंपनी हमेशा नंबर वन रहते और स्मॉल

शहर कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और जब भी ये गिरावट हो तो अभी खरीदने राय नहीं है बट यहाँ पर वॉच लिस्ट में एटलीस्ट आपको रखना है और यहाँ पर इसकी मूवमेंट को देखना है कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है और जब शेयर एक नीचे लेवल पर आ जाए और जिस तर, इस तरीके की जो कंपनीज होती है ना थोड़ा सा यहाँ परेशान करते हैं थोड़ा सा पर गिराते हैं छह महीने के अंदर अंदर मैंने देखा है मैंने पर्सनली देखा है जितने भी आईपीओस आए हैं कि वो सारे के सारे भागते हुए दिखाई दिया है आपको भी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी तब आपको बताया भी था रिजर्व अच्छे खासे है कोई बॉरिंग नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सात करोड़ का है कैश कंपनी का तेरह करोड़ रुपए जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और यहाँ पर जब

At least एक बार इसके रिजल्ट, देखने के ही कोई भी ट्रेड क्योंकि रिजल्ट अच्छे आएंगे शेयर अपने आप भागेगा रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो शायद भगा भी दे ऑपरेटर बट स्टिल यहाँ पर उस केस में हमें यहाँ पर इन शेयरों में नहीं रहना चाहिए तो यहाँ पर ये यह शेयर हो गए दो इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर की हम बात करेंगे जिसका नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक क्यों अः अगर हम इस शेयर की बात करें तो देखिए ये शेयर को भी आए हुए एक महीना हो चुका है लगभग लगभग और यहाँ पर अगर देखे तो ये कंपनी साउथ में काम करती हुई दिखाई देती है और काफी बेहतरीन वहां की नंबर वन कंपनी कंपनी में, में दिखाई देती है मार्केट कैप छब्बीस करोड़ रुपए का है आर ओ सी आर ओ काफी बेहतरीन है डेट की बात करें लगभग एक पर सौ परसेंट कई डेट है जितने कंपनी का पैसे है उतनी डेट नहीं यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें ग्यारह सौ रुपए का ये शेयर यहाँ पर दिखाई दिया था आज की डेट में ये सात सौ कुछ रुपए पे आता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब एक अच्छी खासी तो हम देखेंगे तो गिरावट ही होती हुई दिखाई दी है जब से ये शेयर एक महीने से आता हुआ दिखाई दिया है और मैं जैसे बता कि बता रहा हूँ कि जैसे ये शेयर जैसे गिरते हैं ओके तो उसी तरीके से भागते हुए भी दिखाई देते हैं क्वार्टरली रिजल्ट अभी आए नहीं है एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आने दीजिए सब कुछ आपको पता चल जाएगी अच्छे रिजल्ट आए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा आग बंद करके थोड़ी टाइम में यहाँ पर आप पैसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा सेल्स की बात करें सेल्स यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग मैनर में जो कि यह बताती है कि कंपनी ईयरली वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही है नेगेटिव से यहाँ पर एक करोड़ के पॉजिटिव प्रॉफिट में आ गई है रिजर्व की बात करें कंपनी के पास नेगेटिव में रिजर्व है सत्रह करोड़ रुपए के जो कि यहाँ पर घटते हुए नजर आ रहे हैं जो कि ये पॉजिटिव पॉइंट है बट यहाँ पर नेगेटिव में ये नेगेटिव पॉइंट है बॉरिंग की बात करें कंपनी की बॉरिंग दो करोड़ की है चार करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में है और यहाँ पर कैश की बात करें तिरपन करोड़ रुपए का कैश भी है जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है जो कि हमेशा ही पॉजिटिव रहा है अभी तक और यहाँ पर चार्ट पैटर्न अभी है नहीं और आरोपी की बात करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर देखिए आरोसी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है बट एटलीस्ट एक बार इसके रिजल्ट आ जाए तभी आपको ध्यान देना बट इसकी वॉच लिस्ट में रखिए इस शेयर को डेली वाइज यहाँ पर ट्रैक करिए तो आपको पता चलेगा तो यहाँ पर देखिए तो इसने आज की डेट में एक 52 वीक लो डेली यहाँ पर एक 52 वीक लो बना रहा है तो यहाँ पर ये यह शेयर देखिए गिरता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम यहाँ पर देखिए तो एक अच्छी खासी गिरावट इस शेयर में ऑलरेडी हो चुकी है लगभग तीस के आसपास तो यहाँ पर आर एस आई की बात करें अठारह के आर एस आई पे आ गया है कभी भी ये शेयर शायद मूव कर सकता है तो थोड़ा सा ध्यान भी यहाँ पर भी देना है और यहाँ पर सेलिंग सेलिंग अभी नहीं करनी है सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा एक बार रिजल्ट आने दीजिए रिजल्ट का सीजन नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पर एक देखेंगे कि किस तरीके बट अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर देखिए एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर शायद बनाते हुए दिखाई दे यहाँ पर एक शोल्डर ओके okay, यहाँ पर एक हेड बनाएगा शायद बड़ा सा और फिर उसके बाद यहाँ पर एक शोल्डर के शेयर ऊपर की तरफ निकल जाए किस तरीके से निकलेगा देखते हैं बट यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर थोड़ा सा अभी नीचे जा रहा है हमेशा डेली की डेली वाइज यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी है तो यहाँ पर बैंक की रिकमेंडेशन ही है ध्यान रखना है वॉच लिस्ट में ऐड करना है रिजल्ट अच्छे आएंगे इन शेयरों के वीडियोस बनाऊंगा ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं और वीडियोस बनाने के बाद यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पर क्लीन साइंस में किया था क्लीन साइंस के अच्छे खासे रिजल्ट थे सब चीज अच्छा था तो यहाँ पर रिकमेंड किया था यहाँ से देखे तो लगभग पैतीस के रिटर्न हमें मिल चुके हैं जो की अच्छे खासे रिटर्न कितने महीने में एक महीना भी नहीं हुआ है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो डेली वाइज आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच फॉर प्लेस